पार्ट 7 की स्टार्टिंग होती है जहाँ लैंडलॉर्ड गुकैन के घर के पैसे लेने आई थी बट लियावली उसे अंतराने नहीं दे रहा था और इस वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है जो कि मॉम भी देखती है और गुकैन को कुछ पैसे देकर उसे रेंट देने को बोलती है बट गुकैन लेने से मना कर रही थी बट मॉम उसे ज़बरदस्ती वो पैसे दे रही थी जो देख कर वो अपनी मॉम को रूम में लॉक कर देती है और खुद सोचने लगती है अब वो क्या करे और वो युहान को कॉल करने का सोच रही थी बट उसे याद आता है युहान की जॉब चली गई है और अब लैंडलॉर्ड आकर उससे पैसे मांगने लगती है और उसके भाई के हरकत के बारे में बताती है जो सुनकर गुकैन नाटक करते हुए अपने भाई के ऊपर गुस्सा करने लगती है और इधर गुकैन की माँ को उसके और लियावले की फिक्र हो रही थी और इधर गुकैन अपनी लैंडलॉर्ड को पटाने के लिए उसकी तारीफें कर रही थी और ये भी बोलने लगती है कि लियावले तुम इनसे ऐसे रूडली बात क्यों करते हो, तुम्हें पता भी है ये कितनी मुश्किल हालत से गुजर रही है, इनकी डिवोर्स हुई है हाल ही में अपने हस्बैंड से और ये अपने बच्चों का अकेला ही पाल रही है। तो लैंडलॉर्ड बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी तुम लोगों से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता है पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे एक दूसरी लड़की के लिए छोड़कर चला गया। तो गुकैन बोलती है तुम्हारी और मेरी हालात बिल्कुल सेम है, यहाँ तक कि मेरी हालात आपसे भी बुरी है, मेरे डैड ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार में लिए थे और फिर वो हम लोग को छोड़कर चले गए और उसके बाद मेरी मॉम ने अपना घर बेचकर हमारा ख्याल रखा, वो भी हमारी वजह से बहुत सफ़र कर रही हैं। और अब लियावले अपना नाटक शुरू करता है बिल्कुल रो रो कर और ये सब देख सुनकर लैंडलॉर्ड को भी बुरा लगने लगता है उन दोनों के लिए और गुकैन उन्हें यकीन दिलाती है कि वो जल्द ही उनके पैसे उन्हें लौटा देगी जो सुनकर लैंडलॉर्ड मान जाती है। ये दोनों जल्दी जल्दी में लैंडलॉर्ड को अपने घर से भगा देते हैं। अब हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ गुकैन के पास मिस्टर मिंग का कॉल आता है जो कि उसे कल हॉर्स राइड में चलने को बोलता है जिसके लिए गुकैन मान जाती है और फिर वो लियावले के पास आकर बोलती है मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द और पैसे कैसे कमाऊँ, मैं हमेशा रेंट और बाकी सब चीज़ों के पैसे डिलाई नहीं कर सकती हूँ। और ये सुनकर लियावले उसे एक कॉम्पिटिशन के बारे में बताता है जिसमें जीतने वाले को $15,000 मिल रहे थे और लियावले उसे साफ बोलता है अगर वो उसे और युहान को इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने देगी तो वो लोग पक्का उसे जीत कर दिखाएंगे। बट गुकैन को इस कॉम्पिटिशन के गेम के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए वो कॉन्फिडेंट भी नहीं थी बट लियावले उसे बोलता है अगर हम हार भी गए तो क्या होगा, बस रजिस्ट्रेशन फी ही जाएगी लेकिन अगर हम जीत गए तो हमें $15,000 मिल जाएंगे, जो सुनकर गुकैन इसके बारे में सोचने का बोलती है और पब्लिक सर्विस एग्जाम का रिजल्ट चेक करने लगती है। बट अभी तक रिजल्ट नहीं निकला था और अब गुकैन युहान को लेकर उसी कंपटीशन में पहुंच जाती है जहां कंपटीशन के बारे में सब कुछ पता चल जाने के बाद युहान तुरंत रेडी हो जाता है बट पर पर्सन रजिस्ट्रेशन फी $1,000 थी जो देख कर गुकैन का मुँह लटक जाता है बट युहान उसे बोलता है वो पैसे पे कर देगा और जब वो प्राइज जीत जाए तो उसे लौटा देना जिसके लिए गुकैन मान जाती है। और इधर हम गुकैन की मॉम को उनके काम में देखते हैं जहां वो लोगों के जूते साफ करके पैसे कमाती है और उनका कस्टमर इस बार बनते हैं युहान के डैड जहां मॉम उन्हें बताती है वो विलेज से आई हैं बिकॉज उनके बहुत से कर्ज हैं जिससे उन्हें पे करना है और इसलिए वो सिटी आई हैं काम करने के लिए। तो युहान के डैड भी उन्हें बताते हैं उनका बेटा बहुत ही हैंडसम है, उसके बेटे की गर्लफ्रेंड भी गांव से आई है और इसलिए मुझे लगता है वो फ्यूचर में परेशानी में आ जाएगा पर हम उसे ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। मॉम बोलती है सबकी अपनी लाइफ होती है, हर कोई हमेशा ऐसे लोग से मिलते हैं जिसे वो पसंद करते हैं इसलिए आप भी अपने बेटे की फिक्र मत करो। तो युहान के डैड बोलते हैं मैं कैसे परेशान ना हूँ, अगर उन दोनों की शादी हो गई तो मैं परेशानी में आ जाऊँगा। और अब डैड गुकैन की मॉम को उनके काम से ज़्यादा पैसे दे देते हैं जिसे लेने से मॉम मना कर रही थी बट डैड उन्हें बोलते हैं इसके बदले तुम मुझे एज अ VIP कस्टमर की तरह समझना हमेशा, जिसके लिए मॉम मान जाती है। और अब हम मॉम को घर में देखते हैं जहाँ वो कुछ बात से परेशान लग रही थी जो देखकर गुकैन उनकी परेशानी होने की वजह पूछती है तो मॉम बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी वजह से एम्बैरस्ड होती हो और क्या मेरे इस टाइप के होने की वजह से युहान की फैमिली मुझे पसंद नहीं करेगी और अगर ऐसा है तो मैं विलेज वापस लौट जाऊँगी। तो ये सुनकर गुकैन बोलती है आप सडनली ये क्यों बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लियावले बोलता है माँ गुकैन युहान को छोड़ देगी बट आपको कभी नहीं, आपको यहीं रहना चाहिए, लेकिन ये सब बातों के बावजूद मॉम हमें परेशान दिखती है। और इधर चुन अपने रेस्टोरेंट को खोलने के प्लान में लगा था जहाँ वो अपनी कार को
बेचने का सोचता है पैसों की वजह से, बट वो उसकी फेवरेट कार थी इसलिए वो उसे नहीं बेचना चाह रहा था। और तभी वो गु क्यान की आईडी देखता है जिसमें उसने उस कंपटीशन के बारे में बताया था, और वो सोचने लगता है यही मौका है उसके पास और ये प्राइस तो वो गु क्यान से लेकर ही रहेगा। और तभी वहाँ शाओ आ जाती है जहाँ चुन उसे बताता है वो पेंट बॉलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला है। और तभी जियाओ उसके रेस्टोरों का डेकोरेशन पेपर देखती है जिसमें उसने अपने रेस्टोरों को अपनी तरह से डिजाइन किया था, जो देखकर वो भी उसे आइडियाज़ देने लगती है, जो सुनकर चुन को भी उसके आइडियाज़ पसंद आने लगते हैं। और वो उसे बोलता है जब उसका रेस्टोर ओपन हो जाएगा तब वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ लेकर आ सकती है। बट तभी जब वो उसके सीक्रेट को सीक्रेट रखे जिसके लिए शाओ तुरंत मान जाती है। और अब शाओ अपनी मॉम के साथ थी जहाँ वो उससे पूछती हैं जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकती है, तो मॉम बोलती है नहीं तुम्हें अभी बस पढ़ाई करनी है और फिर अब्रॉड जाकर भी तुम्हें पढ़ना है और उसके बाद तुम्हें आकर अपने डैड और भाई की मदद करनी होगी कंपनी को मैनेज करने के लिए। तो शाओ बोलती है चुन अगर रेस्टो खोल सकता है तो मैं क्यों नहीं खोल सकती हूँ, तो मॉम बोलती है वो रेस्टो ओपन कर रहा है और क्या क्या जानती हो तुम उसके बारे में। बट शाओ एक अच्छी माँ बनते हुए उसे डैड को ये बात बताने को मना कर देती है। और अब नेक्स्ट डे लियाओ ले गु क्यान और यू हान कॉम्पिटिशन के लिए आ गए थे जहाँ चुन भी आता है और गु क्यान उसे इसकी वजह पूछती है, बट वो बोल देता है जैसे वो यहाँ नॉर्मली आ सकती है वैसे वो भी तो आ सकता है ना। और तभी वहाँ जियान आकर हंगामे करने लगता है और उसे वहाँ का बॉस निकाल रहा था बिकॉज उसने रजिस्ट्रेशन फी नहीं दिया था। और उसे देखकर गु क्यान और बाकी लोग छिपने लगते हैं, पर जियान उन्हें देख लेता है और गु क्यान को ना चाहते हुए भी जियान के रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है। और अब गेम स्टार्ट होता है जहां हमें रूल बताया जाता है कि जिन जिन बंदों को गन की गोली नहीं लगेगी और जो 2 मिनट में फ्लैग निकाल लेगा वो इस गेम का चैंपियन बन जाएगा, और अगर इनमें से कोई फ्लैग नहीं ले पाया तो वो विनर बन जाएगा जो लास्ट तक टिका हुआ रहे। और जैसे गेम स्टार्ट होता है वैसे ही जियान पागलों की तरह सामने जाकर शूट करने लगता है, जिस वजह से सारे विलन्स उसे गोली से छन्नी छन्नी कर देते हैं। बट उसे अभी तक उसे ये रियलाइज नहीं हुआ था और वो फ्लैग उठा के चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है मैं चैंपियन हूँ, मैं जीत चुका हूँ, अब मुझे प्राइज मिलेगा। बट लियाओली उसे बताता है वो हार चुका है, उसे बहुत सारी गोलियाँ लगी हैं। बट ये बात जियान एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था और दो गार्ड उसे वहाँ से उठाकर लेकर चले जाते हैं। और अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है जहाँ लियाओली और यूहान काफ़ी अच्छे से गेम खेल रहे थे और गु क्यान बच बच के गेम खेल रही थी, लेकिन चुन जो विलन बना था वो लियाओली को गोली से शूट कर देता है जिससे लियाओली भी गेम से बाहर हो जाता है। और अब इसी तरह चुन बहुत से लोगों को शूट कर देता है और गेम के लास्ट में गु क्यान और यूहान ही बचे थे और विलन आए से चुन। और अब चुन एक चलाकी करता है जिससे यूहान उसके झांसे में आ जाता है और वो यूहान को शूट कर देता है। और अब गेम में बस गु क्यान और चुन बचे थे और चुन सोचने लगता है एट द एंड ऑफ द गेम वो जीत जाएगा जिससे गु क्यान उसकी दीवानी हो जाएगी और वो यूहान को छोड़कर उससे अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। और अब चुन ऑलमोस्ट गु क्यान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे शूट करने ही वाला था कि उसके पैर फिसल जाते हैं और वो सीधा जाकर गु क्यान के साथ नीचे गिरता है और उसकी गन भूल से चल जाती है जिससे जो एक साथी चुन के साथ था उसको भी गोली लग जाती है। और चुन का हाथ गु क्यान के चेस्ट में था जो देखकर गु क्यान उसके ऊपर बहुत भड़क जाती है और उसे गन से शूट कर देती है। और बाद में जाकर उसे रियलाइज होता है कि वो चैंपियन बन गई है। और अब ये लोग सब जीतने की खुशी में घर आकर सेलिब्रेट कर रहे थे जहाँ लियाओली ने बताता है एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है और वो रिजल्ट निकल ही रहा था कि जियान बोलने लगता है वो इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है और तुम लोग कब तो पता नहीं कि तुम लोग पास होगे कि नहीं, पर मैं तो ज़रूर होऊंगा। अब लियाओले उन्हें बताता है वो एग्ज़ाम में पास हो गया है जिससे सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जियान बोलता है अगर ये पास हो सकता है तो इसका मतलब मैं तो कन्फर्म पास हो ही गया हूँगा। और इस एग्ज़ाम में गु क्यान और यूहान ये दोनों भी पास हो गए थे जिससे ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। और जियान को पता चलता है वो इस बार भी एग्ज़ाम में फेल हो गया है, बट इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था बिकॉज सबको पता था यही होने वाला है। और गु क्यान यूहान और लियाओले मिलकर क्वेश्चंस आंसर वाले गेम खेलने लगते हैं, पर जियान बेचारा दारू पिए जा रहा था जिससे वो पूरा ड्रंक हो जाता है। और तब जाकर इनकी नज़र उसके ऊपर जाती है और इधर मिस्टर मिंग घर आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है चुन घर में नहीं है। और तभी वहाँ चुन आता है जो कि अपने पैर तुड़वा कर आया था, जो देखकर मिस्टर मिंग बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था घर में रहकर अपनी मिस्टेक को ठीक करने का, बट तुम मेरी बात नहीं माने और अब देखो तुमने दोबारा परेशानी पैदा कर दिया है। आई थिंक अगर तुम्हें चोट लगी है ना तो तुम इसे डिजर्व भी करते हो। तो चुन बोलता है कि मैं आपका अपना
अपना बेटा हूँ, बिकॉज मुझे आपकी बातों और हरकतों से तो ऐसा नहीं लग रहा। और इधर गू क्यान यूहान और लियावली को एक महंगा मॉल लेकर आई थी कपड़े दिलाने के लिए, जिससे वो लोग इंटरव्यू में इंप्रेशन जमा सके। और अब लियावली और यूहान एक अच्छा सा फॉर्मल चूज करते हैं जो कि गू क्यान को भी बहुत पसंद आता है। और अब गू क्यान और यूहान एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ यूहान बोलता है चुन को चोट लग गई है तो क्या हमें उसे जाकर विजिट करना चाहिए, बिकॉज उसने हमारी एक बार पहले भी जान बचाई थी। तो गू क्यान बोलती है हाँ तुम सही ही बोल रहे हो, हम चलेंगे उससे मिलने जब तुम फ्री रहोगे। और अब नेक्स्ट डे गू क्यान मिस्टर मिंग के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए आई थी, जहाँ उसे आज पता चल जाता है मिस्टर मिंग चुन के डैड है। और वो उस पोस्ट के लिए उनसे माफ़ी मांगती है। और फिर गू क्यान काफ़ी अच्छे से हॉर्स की राइडिंग करने लगती है, और हम देख पाते हैं दूर से कोई इंसान इन दोनों की फ़ोटो निकाल रहा था, जिसका फेस हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। Had me falling to the ground.